वेलकम वंस अगेन दोस्तों, मैं हूं आपकी दोस्त पूनम और एक बार फिर से स्वागत करती हूं आपका अपने चैनल लर्निंग नेवर एंड्स में। और आपके दिमाग में एक क्वेश्चन है कि मैं डीएलएड करूं या बीएड करूं, मुझे डीएलएड करके ज़्यादा जल्दी नौकरी मिल जाएगी और बीएड करके मैं बेरोजगार रहूंगा, या बीएड करके बहुत जल्दी नौकरी के चांसेस होते हैं और डीएलएड की जो डिग्री है वो बेस्ड है, उससे जो जॉब है वो मुझे जल्दी नहीं मिल सकती। तो इस तरीके के बहुत सारे जो क्वेश्चन हैं आपके दिमाग में आते हैं, तो उन्हीं क्वेश्चन को ठंडा करने के लिए ये वीडियो जो है आज की मैं लेके आई हूं। उम्मीद करती हूं वीडियो आपको पसंद आएगी। इससे पहले ना वीडियो की आप भावनाओं में आगे बढ़े, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ये चैनल आपके बहुत काम। तो देखिए दोस्तों, बारीकी से हम लोग बात करते हैं डीएलएड क्या है और बीएड क्या है। डीएलएड इज डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन, ठीक है, और बीएड है बैचलर एजुकेशन डिग्री, ठीक है। दोनों एलिमेंट्री समझ लो, इसमें जो पहले वाले में डिप्लोमा की बात कही गई है और इसमें बैचलर डिग्री की बात कही गई है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। बस ध्यान दीजिए, एलिमेंट्री एजुकेशन और एक एजुकेशनल डिग्री, यानी एलिमेंट्री एजुकेशन जो है वो आपको अप टू क्लास फिफ्थ तक के आप टीचर बन सकते हैं, ठीक है। इसे करने के बाद, डीएलएड करने के बाद आप क्लास फिफ्थ तक के टीचर बन सकते हैं। और अगर आपने बीएड किया है तो आप सिक्स से लेकर 12th तक के, वैसे 10th तक के अगर आपके पास पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री भी हो जाती है तो आप 12th तक के टीचर बन सकते हैं। समझ में आ रही है बात? 6 टू 12th बीएड के पास है, 1 टू 5th जो है वो आपकी डीएलएड के पास है। तो ये तो कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा कि आप किसे करने के बाद क्या बन सकते हैं। अब बात आती है गवर्नमेंट जॉब की। तो देखिए, डीएलएड करने के बाद भी गवर्नमेंट जॉब मिलती है लोगों को, बीएड करने के बाद भी गवर्नमेंट जॉब मिलती है आपको। बस अब आप बारीकी से इस चीज को समझिए कि अगर आपने डीएलएड किया है तो आप सिर्फ उन वैकेंसीज को फिल कर सकते हैं जो 1 to 5th लेवल की हो। समझ रहे हैं? जब भी 1 to 5th यानी प्राइमरी लेवल की वैकेंसीज आएंगी तो आप उनमें फॉर्म भरने के लिए पूरी तरीके से एप्लीकेबल हैं। 2011 तक तो बीएड वाले भी प्राइमरी लेवल में यानी 1 to 5th वाले लेवल में फॉर्म भरने के लिए एप्लीकेबल थे, बट 2011 लास्ट बैच था, उसके बाद ये पॉलिसी खत्म हो गई थी, यानी उसके बाद ये रूल आ गया था कि अब बीएड वाले सिर्फ 6 to 12th ही टीचर बन पाएंगे। बट सरकार फिर से मेहरबान हो गई और 2018 में फिर से ये रूल आ गया कि भाई अब बीएड वाले प्राइमरी में भी अप्लाई कर सकते हैं। समझ रहे हो? दोनों हाथों में लड्डू आ गया बीएड वालों के, यानी बम्पर और बल्क में जो वैकेंसीज निकलती है ना, वो वैकेंसी प्राइमरी लेवल पे निकलती है, टीजीटी लेवल पे, पीजीटी लेवल पे, जूनियर लेवल पे नंबर ऑफ वैकेंसीज बहुत कम निकलती है, जिसकी वजह से बीएड करने वालों की जो भीड़ थी धीरे धीरे कम होती जा रही थी, क्योंकि जॉब बड़ी मुश्किल से मिल रही थी। बट जैसे ही ये रूल आया कि बीएड वाले 2018 में प्राइमरी में भी अप्लाई कर सकते हैं, तो फिर से बीएड वालों के दोनों हाथ में लड्डू आ गया। यानी आज की अगर मैं सिचुएशन की बात करूं तो अगर आप बीएड करते हैं ना तो ज्यादा फ्रूटफुल रिजल्ट होंगे आपके सामने गवर्नमेंट जॉब अटेन करने के लिए, क्योंकि कोई भी वैकेंसी आए, चाहे वो आपकी प्राइमरी लेवल की आए, चाहे वो आपकी टीजीटी आए, जूनियर आए, पीजीटी आए, आप हर वैकेंसी पर दावेदार हैं फॉर्म भरने के लिए। समझ में आ गई बात? अगर आप डीएलएड करते हैं, ठीक है, तो आप प्राइमरी लेवल का टेट और सीटेट एग्जाम देते हैं, बस प्राइमरी लेवल का दे सकते हैं, उसी की बेस पे आपको जॉब मिलेगी। बट अगर आप बीएड करते हैं ना तो आप प्राइमरी लेवल का भी टेट और सीटेट दे सकते हैं, जूनियर लेवल का भी टेट और सीटेट दे सकते हैं, और अब जो ये कह रहे हैं कि टीजीटी लेवल का और पीजीटी लेवल का अलग से टेट और सीटेट आएगा तो उसे भी दे सकते हैं। तो मेरे हिसाब से जो समझदारी होती है किसी भी इंसान की, वो इसी में होती है कि वो अपने सामने ऐसे कैरियर ऑप्शंस खोल के रखता है जिससे उसके पास बहुत सारे रास्ते निकलते हों, कि मैं यहाँ भी जा सकता हूँ, मैं ये भी कर सकता हूँ, मैं ये भी कर सकता हूँ, यानी जहाँ मौका मिलेगा मैं वहाँ चौका लगा दूंगा। समझ गए? तब आपके पास जॉब अपॉर्चुनिटी मिलने के चांसेस जो होते हैं वो बढ़ जाते हैं। देखिए, मैं बिल्कुल बाइस नहीं हो रही हूँ, ऐसे नहीं कह रही हूँ कि जिन्होंने डीएड करी उन्हें जॉब नहीं मिलेगी, नहीं, नंबर ऑफ वैकेंसीज तो प्राइमरी में ही हैं, बहुत सारी वैकेंसीज प्राइमरी स्कूल्स के लिए ही निकलती हैं, चाहे केवीज हो, चाहे नवोदय हो, चाहे आपका जो बेसिक शिक्षक एजुकेशन प्रणाली है उसके अंदर हो, नंबर ऑफ वैकेंसीज यहाँ ज्यादा होती हैं। बट अब जब बीएड वालों को अपॉर्चुनिटी मिल गई है कि प्राइमरी में जा सकते हैं तो उनके लिए बहुत सारे रास्ते खुल गए हैं। तो मेरे हिसाब से कहीं ना कहीं आज की डेट में जो समझदारी है वो यही है कि आप बीएड करें। जो आपका डीएलएड है वो भी 2 साल का कोर्स है, जो आपका बीएड है वो भी 2 साल का कोर्स है, यानी समय जो है आप उतना ही खपा रहे हैं,
जो आपके D.eld है वो भी आप ग्रेजुएशन के बाद कंप्लीट कर रहे हो, जो B.ed है वो भी आप ग्रेजुएशन के बाद कंप्लीट कर रहे हो। तो इंस्टेड ऑफ कि आप अपने आप को बांध ले कि मैं एक से पास्ता की बनूंगा, ऐसा कौन चाहेगा कि बस नहीं मैं तो चिल्लड़ वाले बच्चों को ही पढ़ाना पसंद करूंगा। हर कोई चाहता है कि जो मुझे बड़ा मौका मिलेगा मैं उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करूंगा। तो बेटर है कि आप B.ed की तरफ अपना रुझान करें। ये वीडियो इस वक्त बनाना बहुत जरूरी था क्योंकि अभी B.ed और D.eld में बच्चे कंफ्यूज हो रहे हैं, फॉर्म भरे जा रहे हैं। तो राइट अपॉर्चुनिटी यही है आपके लिए कि आप B.ed की तरफ अपना रास्ता मोड़ लें इंस्टेड ऑफ D.eld, तो ज्यादा चांसेस हो जाएंगे आपके पास गवर्नमेंट जॉब मिलने के। तो उम्मीद करती हूं कि आपके जो डाउट थे D.eld और B.ed को लेके वो मैंने काफी हद तक सेटिस्फाई किए होंगे। इसके अलावा अगर आपका कोई और कंफ्यूजन है ना इस चीज को लेके तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना। और चैनल अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना भाई, क्वेश्चन पूछने का हमेशा के लिए हक मतलब बना के बैठ जाओगे मेरे पास आप लोग। तो उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आई, आपके काम की लगी होगी। थैंक यू सो मच, आपने मुझे इतना समय दिया, इतना सुना, उसके लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद।